जगत प्लांटी पादप। पहला, पादप जगत के सभी जीव बहुकोशिकी व यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। दूसरा, अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिससे ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। तीसरा, इनमें सेल्युलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा शैवाल, प्यूनेरिया मॉस, फर्न, साइकस, खजूर, नीम, धान आदि। विटेकर ने शैवालों को प्लांटी जगत में शामिल किया है। अन्य पादपों की तरह शैवाल के शरीर में जड़, तना, पत्ती में विभेदन नहीं किया जा सकता। बारिश के दिनों में आपने नदी व तालाब के किनारे व फर्श पर चमकदार हरी परत जमी हुई देखी होगी। इसे हम स्थानीय भाषा में काई कहते हैं। यही शैवाल है। प्यूनेरिया मॉस। इसका शरीर मुख्य रूप से पत्तियों तथा जड़ जैसी संरचना राइजोइड्स का बना होता है। राइजोइड्स द्वारा जल व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। इस तरह के पौधों को ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। इस समूह के और उदाहरण भी हैं, जैसे डिक्सिया मार्केशिया। फर्न एक अन्य प्रकार का पौधा है, जिसे आप अपने परिवेश में ढूंढने का प्रयास करें। यह टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। इस वर्ग के अधिकांश पादपों में पुष्पीय पादपों की तरह ही शरीर का विभाजन होता है, अर्थात इन पादपों का शरीर जड़, तना व पत्ती में विभाजन होता है तथा इनमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है, परंतु इस वर्ग के पादप अपुष्पीय होते हैं, अतः ये बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। मार्सीलिया इस समूह का एक अन्य उदाहरण है। क्या आप जानते हैं, अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे के तने से लिपटा होता है। इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। यह दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, जो अन्य पौधों से भोजन को अवशेषित करती हैं। पादप जगत के वर्गीकरण को एक पुष्पीय पौधों के उदाहरण के रूप में देखें तो पुष्पीय पौधों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, बीज आवरण रहित यानी जिम्नोस्पर्म या साइकस। दूसरा, बीज आवरण सहित एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को पुनः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, एक से अधिक बीजपत्र द्विबीजपत्री, जिसके अंतर्गत चना, मटर, मूंग, इनमें मूसला जड़े होती है। पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास होता है। दूसरा, एक बीजपत्र यानी एक बीजपत्री, जैसे गेहूं, मक्का, इनमें झकड़ा जड़े होती हैं। पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। आप अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों, जैसे आम, धान, महुआ, घास, मक्का आदि की पत्तियों का अवलोकन करें। उनकी जड़ों के प्रकार एवं शिरा विन्यास में क्या संबंध मिलता है, उसे लिखें।